हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर कि मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नोटिस सूचना जारी कर दिया है। उन अभ्यर्थियों को जिनका डीबी टेस्ट होना है, जी हाँ, आयोग की एक इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है अभ्यर्थियों को, यो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं संक्षिप्त सूचना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। आज के डेट में स्वास्थ्य एएनएम के संबंध में नोटिस जारी किया गया। नोटिस हम लोग रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ से हम लोग नोटिस रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, कुछ ही समय पहले नोटिस जारी किया गया। देख लेते हैं आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा प्रारंभिकर्ता परीक्षा 2021 एक लिखित परीक्षा के आधार पर डीबी टेस्ट के चिन्हित किए गए 17,713 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण दिनांक 9 जून से 18 जून तक आयोजित करना संबंधी आयोग की आवश्यक सूचना संख्या 23/02 कंप्यूटर विभाग 12/2022 परीक्षा 2021 दिनांक 1 जून 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करिए। आयोग की उक्त सूचना दिनांक 1 जून 2022 के परिशिष्ट सारणी के क्रमांक 2 के अंतर्गत आयु सीमा निर्धारित सीमा आयु सीमा अर्थात दिनांक 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष या से 40 वर्ष के मध्य में शिथिलता है तो वांछित अभिलेख अंकित हो गई है। उपयुक्त के स्थान पर अब आयु सीमा निर्धारित आयु सीमा अर्थात दिनांक 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य में शिथिलता हित वंचित अभिलेख पढ़ा जाए। तो ये आयोग ने गलती किया था, उसके सुधार को लेकर के आयोग ने नोटिस सूचना जारी किया है। उक्त परिशिष्टि को शेष सूचनाएं यथावत रखी गई हैं। अवनीश सक्सेना सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी आयोग की तरफ से गलती कर दिया गया, उसके संशोधित जो है सूचना नोटिस आयोग की तरफ से जारी किया गया है। उन 17,713 अभ्यर्थियों को जिनका डीबी टेस्ट जो है 9 जून से प्रारंभ है। आई होप एक खबर आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।